सबसे पहले हम तेल डालेंगे। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो प्याज और टमाटर की सब्जी है ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो प्याज और टमाटर की सब्जी है इसकी खासियत यही है कि इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, बहुत ही कम मसाले पड़ते हैं। जैसे ये मिर्च पाउडर है, हल्दी है, टेस्ट के लिए नमक है और गार्निश के लिए धनिया है। और सबसे खास बात है कि ये मूंगफली, रोस्टेड मूंगफली का पाउडर है। मूंगफली को हमने भून करके मिक्सी में पीस लिया है, इसी से ये सब्जी का टेस्ट आता है, इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। देखिए ये हल्का हल्का गोल्डन होने लगा है प्याज मेरे हल्का, इसको थोड़ा सा एक मिनट और पकाएंगे। अब इसमें हम कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। और इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए टमाटर भी थोड़े से पक गए हैं, मतलब थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम हल्दी पाउडर डालेंगे, फिर मिर्च पाउडर डालेंगे और नमक ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे थोड़ी देर, एक मिनट पकाएंगे। देखिए मसाले भी थोड़े पक गए हैं। अब लास्ट में हम ऐड करेंगे इसमें रोस्टेड मूंगफली पीनट्स, रोस्टेड पीनट्स पाउडर इसमें 3 से 4 चम्मच ऐड कर देंगे। ये भुना हुआ मूंगफली का पाउडर है, इस चम्मच से 4 चम्मच ऐड कर दिया हमने। अब इसको हम मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स देखिए ये लगभग पक गया है, बस एक मिनट और हम मूंगफली को इसमें पका लेंगे, फिर उसके बाद ये रेडी है खाने के लिए। इसको आप पराठे, रोटी, नान, पूरी किसी के साथ भी खाइए, चावल के साथ भी खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लास्ट में मैं इसमें थोड़े से कोरिएंडर धनिया पत्ती डाल देती हूँ। अब ये रेडी है सर्व करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स ये हमारे प्याज और टमाटर की सब्जी रेडी है, हमने इसको बाउल में निकाल दिया है, सर्व कर दिया है और इसको हम थोड़े धनिया पत्ती के साथ सजा करके सर्व करेंगे। फ्रेंड्स हमने प्याज और टमाटर की सब्जी तो रेडी कर ली है, इसके साथ हम पराठा भी रेडी कर लेते हैं। ये मैंने 4-5 आलू बॉईल किए हुए मैश करके ले लिया है। अब इसका हम पराठा बनाने के लिए सारे सामग्री को मिलाएंगे। इसमें मैं ये पीनट्स, मूंगफली, भुने हुए मूंगफली का पाउडर बनेंगी, ये थोड़े से हुए प्याज और हरी मिर्च है, हरी मिर्च ज़्यादा डाल सकते हैं, थोड़ा डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा तीखा नहीं करते हैं, और धनिया। अब इसमें हम छोटे कटे हुए एक प्याज का टुकड़ा मैंने लिया है और थोड़ी सी मिर्च को ऐड करेंगे, फिर थोड़ी धनिया कटी हुई ऐड करेंगे और 2 चम्मच भुना हुआ मूंगफली का पाउडर ऐड करेंगे। इसी से ये आलू के पराठे का टेस्ट अलग आएगा। फ्रेंड्स अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से फ्रेंड्स आलू का पराठा बनाने के लिए ये हमने तैयार कर लिया है, आलू में मिक्स करके प्याज, धनिया और हरी मिर्च वगैरह, नमक वगैरह। अब हम पराठा बनाएंगे।
फ्रेंड्स, सब पराठे हमारे रेडी हैं सर्व करने के लिए। अब हम सर्व कर देते हैं इसको। देखिए, टमाटर और प्याज की सब्जी रेडी हो गई है पराठे के साथ। आप इसको खाइए और टेस्ट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा प्लीज़।